विश्व एड्स दिवस एवं 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग ज्योति संस्था, दिव्यांग पुनर्वास संस्था और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान में जागरूकता लाने के उद्देश्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 21 से अधिक यूनिट रक्तदान प्राप्त हुआ। शिविर में खास बात यह रही कि दिव्यांगों एवं पूर्ण अंधत्व वाले विकलांगों ने भी रक्तदान किया है। राम प्रकाश बलदेवा शिविर संयोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग ज्योति संस्थान, दिव्यांग पुनर्वास संस्थान एवं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आम नागरिकों में रक्तदान के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में लगभग 30 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य हमारे द्वारा रखा गया था। शिविर की खास विशेषता यह रही कि इस शिविर में पूर्ण अंधत्व एवं विकलांग लोगों ने भी सहयोग करते हुए रक्तदान किया है। रक्त के लिए किसी को परेशान ना होना पड़े, इसी को लेकर यह रक्तदान हम लोग कर रहे हैं। आज के दिन चुनौतीपूर्ण स्थितियां रही, मौसम भी खराब था, फिर भी हम हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। शिविर प्रातः 11 बजे से प्रारंभ हुआ था जो कि शाम 3 बजे तक चला। जो है आपके द्वारा यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, आज कितनी यूनिट यहाँ पर अभी रक्तदान हो गई और ये शिविर कब से कब तक चलेगा? आज विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर और विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर के उपलक्ष्य में ये रक्तदान को जागरूकता लाने के लिए ये दिव्यांग ज्योति संस्थान एवं दिव्यांग पुनर्वास केंद्र एवं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संयुक्त प्रयासों से ये शिविर आयोजित किया है। इसका मूल उद्देश्य रक्तदान के प्रति जागरूकता है और रक्त के अभाव में किसी को भटकना न पड़े, ये हमारे सामाजिक संस्थाओं को दायित्व समझ के हम ये कार्य कर रहे हैं। कितने यूनिट लगभग अभी रक्तदान हो चुका है अभी तक, से कब तक चलेगा? अभी 15 यूनिट रक्तदान हो चुका है और शिविर 3 बजे तक चलेगा और हमने 30 यूनिट का टारगेट लिया। निश्चित हम 30 यूनिट से ज़्यादा इस लक्ष्य को पार कर लेंगे और एक हमने प्रयास किया है और लोगों का सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, आज के दिन मौसम ने भी काफ़ी बिगाड़ दिया है और शादियों के भी अब कारण थोड़ा सा चल रहा है प्रोग्राम और 30 यूनिट हम पार कर जाएंगे। कौन कौन सी संस्थाएँ शामिल है आपके साथ? मैं दिव्यांग ज्योति संस्थान, दिव्यांग पुनर्वास केंद्र और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा ये कार्यक्रम संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश बलदेवा, शिविर संयोजक, ब्लड शिविर।